आपने अभी तक पुलिस को लाल बत्ती लगी या सायरन बजाती हुई गाड़ियों में किसी के खिलाफ कार्रवाई करते देखा होगा, लेकिन देवास पुलिस ने एक जुए के अड्डे पर शव वाहन में बैठकर तफ्तीश की। बताया गया, पुलिस को सूचना मिली थी कि देवास के मुक्तिधाम के पीछे खेत में जुए का अड्डा चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने सरकारी वाहन का उपयोग न करते हुए शव वाहन में मौके पर पहुंचकर न केवल 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया, वहीं इनके पास से 40,000 रुपए नकदी और मोबाइल भी जब्त किए। पुलिस की इस कार्रवाई में 3 थाना क्षेत्रों की टीम शामिल रही। कार्रवाई की भनक किसी को न लगे इसलिए शव वाहन का सहारा पुलिस ने लिया। हालांकि दबिश की कार्रवाई के दौरान एक जुआरी मौके से भागने में सफल हो गया। आज श्रीमान सीएसपी महोदय को खबर मिली थी कि मुक्ति धाम के पीछे जुआ चल रहा है। इस पर श्रीमान सीएसपी महोदय ने थाना नहर दरवाजा में मुझे और बीएनपी थाना प्रभारी महोदय को और आइए थाना प्रभारी महोदय को फोर्स सहित बुलाया था। ये नहीं बताया था कि क्या करना है, गोपनीय सूचना थी। फिर सीएसपी महोदय ने योजना के अनुसार 100 वाहन में मतलब जो है पुलिस फोर्स को ले गए हम लोग और वहाँ पर मतलब जो है दबिश दी तो शमशान के पीछे खेत में जुआ खेलते हुए दो लोग पाए गए। जो जुआ खिला रहा था अन्ना वो भाग गया है, बाकी 14 लोग पकड़ाए हैं और लगभग 44,000 रुपये जो है वो उनसे जब्त हुए हैं और कांच की दो गड्डियाँ जब्त हुई हैं। कुल कितने लोग हैं सर इसमें? 14 लोग हैं और 15। इसका मुख्य आरोपी कौन है सर? मुख्य आरोपी अन्ना है जो पुलिस को देख के भाग गया। उसको आरोपी बनाएंगे सर? हाँ, उसको भी आरोपी बनाएंगे। किन धाराओं में इन पे प्रकरण दर्ज? 13 जुआ एक्ट में प्रकरण दर्ज होगा।